ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କ ଏବେ ଆଫଗାନବାସୀଙ୍କର ଭୟର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମତେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିମାନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟତା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଲିବାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନା ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ସେନାଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ତାଙ୍କର ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଜରିଆରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। देखिए ऐसा है, तालिबान को तो पूरी दुनिया मानती है कि वो आतंकवादी है, पर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि तालिबान का जो डेल्टा वेरिएंट है, जो तालिबान को अपना यार मानता है और जो तालिबान का पीआर करना चाहता है, वो तालिबान के लिबरल तालिबान या ताल लिबरल उसको कह सकते हैं, वो ताल लिबरल देश में बैठा हुआ है और उसमें उनको गुड तालिबान नज़र आता है। एक आरफा मैडम है, वो कहती है गुड तालिबान। अब 12-12, 13-13 साल की बच्चियों का अगवा कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, ये गुड तालिबान हो सकता है। एक गजाला मैडम है, वो बोलती है कि तालिबान आतंकवादी नहीं है, ये इंसर्जेंट है। मतलब वो तालिबान जिसकी आज खबर आई है कि जलालाबाद में जो ध्वज लेकर जा रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, तो उन पर गोलियाँ चला दी, वो तालिबान आतंकवादी नहीं है इनके लिए। या यूँ भी कह सकते हैं कि तालिबान जो अब खबर मैंने देखी है कि एक जगह गए और 3 बार नॉक किया और 4थी बार दरवाज़ा ना खोलने पर नाजिया नाम की लड़की औरत को मार दिया। वहाँ पर महिलाएं जो है आतंकित है, वहाँ पर खान अब्दुल गफार खान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महात्मा गांधी के साथ फ्रंटियर गांधी की तरह काम किया है, उनकी परपोती ने यह बयान दिया कि तालिबान आया तो क्रूरता अफगानिस्तान में आ चुकी है, परंतु यहाँ पर जो बैठे हैं डेल्टा वेरिएंट ऑफ तालिबान उनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि दोनों की ही मानसिकता और दोनों के उद्देश्य वही है कि दोनों चाहते हैं शरिया लागू किया जाए और इसीलिए उनको तालिबान में कुछ खराब नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएनएस ओडिया।